अस्सलाम वालेकुम। डी ई मैथमेटिक्स कोर्स को टू लेवल थ्री के साथ आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, चूँकि हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है ग्रुप फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एस डी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे क्लास लिमिट्स गिवन है और साथ फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 2, 10, 26, 32, 8 और 2 और यहाँ पे क्लास लिमिट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास एफ एक्स केयर है, यहाँ भी एक्स यूज हो रहा है और यहाँ भी एक्स यूज हो रहा है दोनों साइड पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ये अपर क्लास लिमिट्स और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं और फिर से 2 पे डिवाइड करते हैं, तो बस क्या आता है, मिड पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर मैं 2 प्लस 0 करूँ तो 2 आंसर आता है, 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। फिर 4 प्लस 2 6 होता है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। 6 प्लस 4 10 होता है, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। फिर 8 प्लस 6 होता है प्लस 14, 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। 10 प्लस 8 18, 2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। 10 प्लस 12 होता है 22, 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया आपके पास मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें साथ एक्स स्केयर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स वैल्यू का स्केयर लेते हैं। तो 1 का स्केयर 1 होता है, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81 और 11 का स्केयर क्या होता है, 121 होता है। ठीक है, एक्स स्केयर। अब हमने कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स वाला, क्योंकि हमें समिशन एफ एक्स चाहिए, तो हम एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 1 2, फिर 10 3 30, इसके बाद 26 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर आता है 130। ठीक है, फिर 32 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये 224 आता है। फिर 9 8 का क्या होता है, 72 और फिर 11 2 का क्या होता है, 22। ये हमने एफ एक्स कॉलम पॉइंट कर लिया, एफ को एक्स से मीन्स की फ्रिक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी को आपने एक्स केयर से मल्टीप्लाई करना है और आपने समेशन एफ एक्स केयर भी फाइंड करना है। अब ये 2 है, इसे हम 1 से करेंगे तो आंसर यहाँ पे 2 आएगा। 10 को जब 9 से करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90। उसके बाद आपने 26 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है 650। ठीक है, फिर आपने 32 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है 1568 आता है, 1568। फिर आपने 81 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 648 आ गया। और फिर 121 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 121 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 242 आता है। ठीक है, अब समीशन एफ एक्स फाइंड करते हैं और समीशन एफ एक्स स्केयर फाइंड करते हैं। तो पहले एफ एक्स वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 प्लस 30 प्लस 130 प्लस 224 प्लस 72 और प्लस 22, ये आपके पास आंसर आता है 480। फिर एफ एक्स स्केयर का सम फाइंड करते हैं, समीशन एफ एक्स फाइंड करते हैं, 2 प्लस 90 प्लस 650 प्लस 1568 प्लस 648 और प्लस आ जाएगा 242, ये आता है 3200। ठीक है, ये हमने एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के पावर में ये वैल्यू सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा हमें समेशन एफ एक्स चाहिए। आपने फ्रीक्वेंसी का भी सम फाइंड करने तो आंसर क्या आएगा, बस 80 आता है। जब इन सबको जब ऐड करेंगे, 2 प्लस 10 26 इन सबको ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इक्वल आ जाएगा पास अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर 3200 है, ये पास आ जाएगा 3200 और डिवाइड बाई 80, क्योंकि हमारा जो समेशन एफ है वो किसके इक्वल, 80 के इक्वल है। फिर माइनस समेशन एफ एक्स, उसकी वैल्यू 480 है, 480 और डिवाइड बाई 80, इसका आ जाएगा होल स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस डी विल बी इक्वल टू 3200 को हम डिवाइड करते हैं 80 पे तो आंसर आता है यहां पे एग्जैक्ट 40, ये 40 आ गया। माइनस 480 को 80 पे डिवाइड करते हैं
आंसर आता है यहाँ पे सिक्स, ये आ जाएगा सिक्स का स्केयर, बस स्केयर रूट आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ना इसको डिवाइड करने से सिक्स और ऊपर होल स्केयर, तो स्केयर लगा दे, एस डी विल बी इक्वल टू 40 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 36, सिक्स का स्केयर क्या होता है 36 होता है, 40 में से 36 माइनस करें तो आंसर आपको बस आता है यहाँ पे फोर, और जो फोर का स्केयर रूट है इक्वल टू क्या होता है टू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या आ गई, टू आ गया।